ओके हे एवरीवन, मैं मेगाट्रॉन और पार्ट 6 आ चुका है पोकेमॉन स्कारलेट एंड पोकेमॉन वायलेट का। मैं पहले लास्ट पार्ट 5 में एक जिम बैच ऑलरेडी जीत चुका हूँ, जो कि बग टाइप था, काफ़ी इजी था कंपेरेटिवली, क्योंकि मेरे को सिर्फ फ्लाइंग टाइप मूव यूज़ करने थे या फिर फायर टाइप मूव, और फिलहाल तो वो ईजी किया। लेकिन अब मुझे जाना चाहिए वेस्ट साइड पर, क्योंकि वेस्ट साइड पर भी कुछ मिशन होंगे जो मुझे क्लियर करने, वो टाइटन पोकेमॉन वाला मिशन था जो आर्विन का था, जो पहला मिशन है वो, क्योंकि अगर मैं यहाँ से आगे जाऊँगा तो आई थिंक मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग मिलेंगे। फिलहाल मैं मैप में देख रहा हूँ, ये कुछ इस साइड तो नहीं जान, मैं सीधा ही ईस्ट साइड जाता हूँ, मैं ज़्यादा कोई घूमता फिरता नहीं हूँ यहाँ पे फिलहाल। लेट्स गो, यहाँ पे फ्लाइंग का ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। हम सीधा उस पॉइंट पे चले जाते हैं जहाँ पे हमें जाना चाहिए, और अच्छा है इसमें कोई ज़रूरी नहीं हमें फ्लाइंग HM यूज़ करना पड़े। बोला मैं आज आ चुका हूँ, थोड़ा सा मैंने इस पार्ट को स्किप किया है, मुझे अब सीधा जाना चाहिए आगे। और यह ब्राउन जोंग खड़ा है और मैं यहाँ पे जाता हूँ, शायद मुझे इस बार आर्विन का कॉल आ जाए, लेकिन नहीं आया। जैसे निमोना का कॉल आया था मुझे पहले उस पर, लेकिन उसने मुझे गाइड किया था कि मुझे पहला जिम जाना है यहाँ पे। मैं सीधा मैप में खोल के देखूँगा जो पास में होगा उस एरिया में सीधा पहुँचता हूँ। और मैंने यहाँ पे सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट रूट को मैंने समहाउ डिस्कवर कर लिया था। अब अगर किसी को अगर डिस्कवर करना है, मेरे साथ चलना है, तो वो एकदम मेरा वाला रूट फॉलो कर सकता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट और डायरेक्ट रूट है। मैं इन किसी ट्रेनर से फिलहाल नहीं लड़ूंगा, मैं इन ट्रेनर्स को ऑफ स्ट्रीम ऑफ वीडियो लड़ूंगा, बाद में आराम से इनको निपटाता हूँ। पहले वाले को ज़रा मैं ट्राई कर लेता हूँ कि किस तरह का कितना स्ट्रॉन्ग है। पहले बॉल्स तो उठा लूँ, कभी भी ये बॉल्स वेस्ट नहीं करनी चाहिए, क्या पता इसके अंदर मैक्स रिवाइव हो या फिर कोई इंपॉर्टेंट स्टोन हो, लाइक थंडर स्टोन हो, जिससे मैं पिकाचू को इवॉल्व कर सकूँ। और फिलहाल मैं इसके पार्ट को भी वो स्किप ही करता हूँ, क्योंकि ईजी बैटल्स हैं, इनको मैं बाद में आराम से दिखा सकता हूँ लड़ते हुए। यहाँ पे मैं बॉल को उठाता हूँ, एक और चीज़ को, ये पोकेमोन से फिलहाल मुझे इनमें से कोई पकड़ने का इंटरेस्ट नहीं है। छोटे मोटे वहाँ पे एक और बॉल दिखती है, मैं फिलहाल बॉल्स तो सारी पकड़ते हुए लेके जाऊँगा, ताकि मुझे बाद में फिर से एक एक करके एक एक चीज़ उठाने के लिए ना आना पड़े। इनमें से कुछ होती है मैक्स रिवाइव एंड कुछ हीलिंग के लिए भी होते हैं पोशंस वगैरह, तो थोड़ा सा ये फ़ायदेमंद चीज़ें ही होती हैं अगर आप उठाते तो। और मैं यहाँ पे अटक गया, निकल नहीं पा रहा यार। बस यही जो भी अभी तक है वो, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, बिकॉज अगर लाइक करोगे सपोर्ट करोगे तब तो और वीडियोस बनाने का मन करेगा ही। और मैं इन पत्थरों से दूर ही रहता हूँ, ठीक है। छोटे से पोकेमोन है, आई डोंट नो ये कुछ काम का है भी कि नहीं है। और भी नीचे एक गुफा भी दिख रही है यार, कुछ काम का है वहाँ पे, चलो जाके देख लेते हैं। बोलिया समहाउ ये शॉर्टेस्ट रूट था, मैंने बस ऐसे चलता गया मैंने समहाउ कुछ ना कुछ बना दिया, अपना ही बेस्ट पॉसिबल रूट था ये। और मैं यहाँ से निकला और गुफा के उस पार, क्या दुनिया है यार। सीधा आते ही इस केव को क्रॉस करना है हमें, इससे ज़्यादा अच्छे एरिया लोकेशन में पहुँच जाऊँगा, जहाँ से मैं ज़्यादा इजीली पोकेमोन सेंटर पे पहुँच जाऊँगा, जो पहला हमारा रूट है। उसके बाद वो टाइटन पोकेमोन जो है, पहला टाइटन पोकेमोन कौन सा है वो मुझे भी इस टाइम पे नहीं पता था कि कौन सा होने वाला है। और ये केव है, ये रूट है एकदम, जस्ट फॉलो मी, बेस्ट रूट पॉसिबल है ये फिलहाल तो। और मैं यहाँ पे जो पत्थर से पेड़ से आए, इन सभी कई बार अटक गया था, और यहाँ से सीधा मैं ऊपर चले जाऊँगा। मैं बोर्ड्स को पढ़ भी नहीं रहा हूँ, क्या बोर्ड्स है, क्योंकि बोर्ड पे लिखा क्या है, उन पे जाके पास में जाके पढ़ना पड़ेगा अपना मेन की दबा के। लेकिन कम ऑन, डोंट वेस्ट योर टाइम, बोर्ड दिख रहा है मतलब वहाँ पे ही जाना होगा, कुछ ना कुछ काम का ही होगा वहाँ पे। और मैं थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूँ, पतली जगह दिख रही है, मुझे लग रहा है मैं इससे गिर ना जाऊँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पैदल ही जाने की जरूरत प्रेफर करता हूँ, क्योंकि अगर गिर गया तो नीचे फिर से ऊपर आना पड़ेगा और टाइम वेस्ट कौन ही करेगा यार। मैं ऊपर आ चुका हूँ, खाली खुली खुली की जगह लग रही है और बेस्ट जगह लग रही है मुझे अपने पोकेमोन को बाहर निकालने के लिए। और यहाँ पे मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश करूँगा तो भी चढ़ गया, कमाल की बात है, मुझे लगा नहीं था नहीं चढ़ेगा, क्योंकि मैं उस जगह से इधर आ गया हूँ घूम फिर के, तो अगर सीधा भी आ सकते थे कोई नुकसान नहीं है। नीचे एक और केव है, लेकिन केव को कौन देखेगा फिलहाल, तो मुझे सीधा सबसे पहले अपने पोकेमोन सेंटर पर जाना है और मैं टाइटन पोकेमोन देखूँगा। मैं फिलहाल यहाँ पे रास्ते एनालाइज कर रहा था कि ये क्या है, और ये हवा में उड़ते स्टार्स जैसा दिख रहा था, कमाल की चीज़ लग रही थी। अभी दिन बिना टाइम वेस्ट करे मैं सीधा हवा में उड़ा और ये छलांग मारी, और जिस पोकेबॉल को उठाया कुछ काम का मिला, एंटीडोट है, काम की चीज़ है। मैं इससे दूर था, मैं इससे कैसे लड़ने लग गया, और मैं सिंपली इस तरह रन नहीं करता हूँ। कौन बार बार टाइम वेस्ट करें इन छोटे मोटे पोकेमोन से लड़के, जिनसे XP ना के बराबर मिलती है, बहुत ज़्यादा कम XP मिलती है इनसे। पर हाँ ठीक है, मैं इनसे अच्छा ट्रेनर से लड़ लूँगा बाद में, फिलहाल मेरा लेवल मोर देन इनफ है। होपफुली अगर मैं पिटपुट आ गया उस टाइटन पोकेमोन से, तो ऑब्वियसली मैं फिर से लड़ने आऊँगा इन ट्रेनर वगैरह से, अपना लेवल अप करूँगा, ताकि मैं फिर से ना पिटूँ उस टाइटन से। बट होपफुली टाइटन ज़्यादा मुश्किल होने वाला नहीं है। HP फुल, यहाँ पे अब मेरा एक चेक पॉइंट भी बन चुका है, मैं यहाँ पे जब चाहता फ्लाई करके आ सकता हूँ। अब नेक्स्ट मेरा सीधा जो पॉइंट है वो सीधा टाइटन पोकेमोन ही होना चाहिए, क्योंकि टाइटन पोकेमोन नेक्स्ट स्टोरी मोड के लिए बेस्ट पोजीशन है। और फिलहाल दैट्स इट,
थैंक यू फॉर द हीलिंग्स। मैं ज़रा मैप में लोकेशन देख लूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाला है ट्रेड बैटल, यहाँ पे फ्लाइंग वाला है पोकेमोन्स की ट्रेड बैटल है, और ये है टाइटन। पाथ ऑफ लेजेंड्स, साउथ प्रोविंस, एरिया 3। विटनेस क्लिफ टाइटन। क्लिफ टाइटन नाम कितना ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, क्लिफ टाइटन। क्या ये टाइटेनिक वाला टाइटन है क्या, जो क्लिफ पे खड़ा हो के हाथ फैला के वो पोज कर रहा है, वो फेमस जो टाइटेनिक वाला पोज था। वेल छोटी मोटी बात है, सीधा आप काम की बात करते हैं। उस लोकेशन पे पहुँचते हैं और यहाँ पे ये अजीब सा पोकेमोन है रोटोटो, किसी का फ़ोन आ रहा है। आर्विन फाइनली इसने अब जाके कॉन्टेक्ट किया मुझे। सो फ्रॉम आई कैन गैदर द क्लिफ टाइटन, आई हैड लुक अराउंड बट आई कुडंट फाइंड एनी ट्रेस ऑफ इट। मे बी इट्स वे अप हाई। ओ ना, दैट्स इम्पॉसिबल। I think they're hiding somewhere, that's tricky, so don't go falling off cliff. Okay, ये simply कह रहा है कि क्लिफ के नीचे नहीं गिरना, ऊपर जाना है। इसने मेन हमें पॉइंट तो बता ही दिया, तो क्लिफ के मतलब ऊपर ऊपर चलते रहो ताकि मुझे नीचे जाऊँगा तो वो नीचे नहीं मिलने वाला, और वो कहीं छुपा हुआ है। लेट्स गो कि कहाँ पे है। वेल मैंने मैप के अंदर ऑलरेडी उसको अब मार्क कर दिया था, वो उसी साइड होगा। और ये छोटे छोटे पोकेमोन्स ना दिखते भी नहीं है जब मैं राइड कर रहा था, सिंपली जस्ट रन। मुझे फिलहाल नहीं लड़ाई करनी किसी से भी, सीधा टाइटन से लड़ाई करनी है मुझे। वो टाइटन देखना है कि वो किस टाइप का टाइटन है, क्या टाइटन है, क्या मैं उस टाइटन को पकड़ सकता हूँ। अगर पकड़ सकता हूँ तो कमाल की बात है यार, मेरा पकड़ने का बहुत ज़्यादा मन भी है। एक टाइटन पोकेमोन कितना तगड़ा होगा ना। लेट्स सी अभी पकड़ सकता हूँ नहीं पकड़ सकता, या फिर वो स्टोरी मोड का ऑप्शन ही है। बट ये छोटे छोटे पोकेमोन कहाँ से आ जाते हैं, दिखते भी नहीं है। अभी फ्लैश लिंग है, मुझे रन दिखाता हूँ। यू कैन गेट अवे, इम्प्रेसिव। मैं भाग भी नहीं सकता, इम्प्रेसिव। ओके मैं इसे मार ही देता हूँ, ज़्यादा ईजी रहेगा मेरे लिए। ओके लेवल एकदम दोनों का सेम है, 17 लेवल है, इसलिए मैं भाग नहीं सकता। सुपर इफेक्टिव ऑब्वियसली। फ्लैचलिंग जो है वो एक फायर टाइप पोकेमोन है, मेरा जो है वो वाटर टाइप पोकेमोन है, क्रैक्सवेल। सो इट्स गोना बी प्रीटी ईजी। काफ़ी एचपी ले गया यार ये तो, चलो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिल जाएगा अच्छा खासा इससे। 456 एक्सपीरियंस, वो भी सिर्फ एक कुंडे का। बाद में लड़ाई झगड़े कर लेंगे, फिलहाल मैं सीधा अपने लोकेशन पे जाता हूँ। माप मार्क है लेफ्ट साइड, ओके थोड़ा लेफ्ट साइड जाना मेरे को हो पड़ेगा। ये बॉल उठा लेता हूँ, उसके बाद लेफ्ट जाता हूँ। इस पोकेमोन से लड़ाई नहीं करनी। नगेट, ओके 5000 का बिकता है नगेट, काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ है। ये सारे पोकेमोन इतने सारे, मुझे लड़े बिना कैसे निकलूंगा। हो गई लड़ाई, जो मैं जितना अवॉइड कर रहा हूँ उतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो जा रही हैं, और ये वैसे भी इतना बड़ा ग्रुप है। तो यहाँ से भी मैं रन का ऑप्शन ज़्यादा प्रेफर करूँगा। यू गॉट अवे सेफली, थैंक यू मेरी बकरी, तूने मेरे को बचा लिया। ओके डेक्स अपडेट हो गया, फाइनली इसके अंदर आ गया, मैं नीचे गिर गया, बच गया। ओके यहाँ से कूद के नहीं जाना, मुझे थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, शायद एक वो लड़ाई हो पाए। मेरा आइडिया थोड़ा सा निकम्मा है। वहाँ से जाऊँ नहीं, यहाँ से घास के अंदर भी लगी होगी चोट इसको, इसके ऊपर से कूद के चले जाता हूँ, होपफुली लड़ाई ना हो। ये क्या हो, क्या चल रहा है मेरे आइडियों के साथ। ओके दैट्स इट, मैंने फिलहाल जो ये मुश्किल जगह दिख रही है वहाँ पे मुझे सिटी दिख रही है, मुझे सिटी में बिल्कुल नहीं जाना, मुझे फिलहाल तो इस एरिया में रहना है। यहाँ पे एरिया के अंदर ही मुझे टाइटन पोकेमोन मिलने वाला है, और मैं उस एरिया के ऑलमोस्ट पास में पहुँच चुका हूँ, आई थिंक सो। ओके मुझे दिख गया, मुझे दिख गया, मुझे वो टाइटन दिख गया, वो क्रैब। ये ट्रेलर के अंदर भी दिख रहा था क्रैब, राइट, क्रैब का लेकिन टाइप क्या है ये, क्रैब वाटर टाइप तो नहीं? अगर वाटर टाइप है तो मेरी पिटाई होने वाली है, क्योंकि क्रैब्स नॉर्मली वाटर टाइप के पोकेमोन ही होते हैं। लेट्स सी, ये पीछे से क्रैब एक चेप हो रहा है, इससे मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ, मुझे लड़ाई नहीं करनी फिलहाल। मैं देखता हूँ ये, ओके ये लड़ाई करके मानेगा ये, चलो लड़ाई करके साथ साथ पता लग जाएगा इसका टाइप क्या है। अगर ये रॉक टाइप है जो कि होने के चांसेस ज़्यादा, क्योंकि ये रॉकी एरिया है तो मैं चांसेस ज़्यादा है मेरे जीतने के, क्योंकि मेरे पास वाटर टाइप पोकेमोन है, वाटर पल्स वाले यूज़ करते हैं, और ये सुपर इफेक्टिव है, नाइस। मतलब मैं टाइटन पोकेमोन को हरा सकता हूँ, वो भी क्रिटिकल अटैक था। ओह माय गॉड, कमाल की पिटाई की, और काफ़ी सारा एचपी मिला पूरी टीम को। मेरा लेवल अप भी हो गया है एक पोकेमोन का, दैट्स नाइस। दो पोकेमोन का लेवल अप हुआ। फ्लेल, आई डोंट नो एक इस टाइप का मूव है, लेट्स सी। मैंने कभी नाम भी नहीं सुना। पावर, जस्ट इट्स अ वेस्ट टाइम, मैं कोई एक्स्ट्रा मूव को यूज़ नहीं करने वाला। फ्लेल क्लो कुछ मिला उससे, नाइस यार। अब ये टाइटन पोकेमोन है, इसको किस तरह से मैं चैलेंज करूँ, मैं पकड़ सकता हूँ चुपके से जाके पीछे देखते हैं, शायद से मैं बॉल फेंक के पकड़ सकूँ इससे। अब इसने मुझे सेंस कर लिया, आई थिंक ये ऊपर भाग गया, क्या कर रहा है ये, मुझसे बच के दूर भाग रहा है क्या, कितना खतरनाक सा लग रहा है केकड़ा।
चलो फिलहाल मैं इसका पीछे करता हूँ, ऊपर जाके शायद लड़ाई होगी हमारे बीच में और ऊपर कुछ पता नहीं इसके साथ ही ना हो, मुझे डर लग रहा है क्योंकि कहीं दो या तीन एक साथ लड़ाई करनी पड़ी तो फिर मेरी पिटाई होने वाली है। बट देयर यू गो, और ऊपर है नहीं हिला ही रही है, ठीक है। चलो अब जरा अपनी गड्डी से उतरते हैं और इसको जाके चैलेंज करते हैं। ये केकड़ा किस टाइप का है, स्ट्रॉन्ग है या बेकार है, क्या मैं अभी पकड़ सकता हूँ इसको बॉल फेंक के? इसके साथ ज़रा सेल्फी खींचने का मेरा मन कर रहा है। अब यार एक सेल्फी खींचे इसके साथ। अब अरे कैमरे का पूरा एंगल चेंज, पहले ठीक करो फिर बाद में। हाँ आंधे 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 आ, अब ठीक है ना। नाउ हे टाइटन पोकेमोन, केकड़ा करना अजीब सा है वैसे, इसके बाल क्यों है पैरों में? ओके दैट्स इट फॉर द सेल्फी, अब जरा थोड़ा सीरियस होते हैं, लड़ाई भी करनी है मुझे इस केकड़े के साथ। धीरे धीरे चलता हूँ उसने सेंस कर लिया। छी, ये अपनी आंखें पीछे कर सकता है, कितना अजीब सा था। Damn, एंट्री तो बड़ी तगड़ी है केकड़े की। लो, मेरा पोकेमोन सीधा बाहर आ गया, लड़ाई ही सीधा स्टार्ट हो गई। इसका लेवल कितने लेवल दिखा नहीं रहे हूँ, मैं पकड़ भी नहीं सकता, कोई पकड़ने का ऑप्शन नहीं है। मैं टर स्लाइस करता हूँ, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना क्योंकि मुझे नहीं पता कितना स्ट्रॉन्ग होगा, कितना लेवल है इसका। क्लॉफ स्टोनी क्लिप टाइटन है इसका नाम, नाम तो खतरनाक है। ओके अब टर स्लाइस हो चुका है मेरा पोकेमोन, होपफुली ये ज़्यादा तगड़ा हो चुका है, जो कि ऑब्वियसली बात है तगड़ा होगा। वाटर टाइप मूव्स हैं, रॉक स्मैश उसकी स्पीड ज़्यादा है, मेरा एच पी आधी है, मैं डर रहा हूँ मैं कितना पिट चुका हूँ। और ये गया मेरा एक तगड़ा सा वाटरफॉल्स मूव। ओके मेरा पोकेमोन स्ट्रॉन्ग है, उसका हाल बुरा लग रहा है। एंगल शेल क्या कितना कुछ बढ़ा रहा है इसका। ओह माय गॉड, मतलब ये एक पिटाई के बाद इतना कुछ बढ़ाएगा और घटाएगा भी, फ़ायदा क्या इस एंगल शेल का जब चीज़ें आधी से ज़्यादा स्टैट्स जो हैं वो ऊपर हो जाएंगे और कुछ स्टैट्स नीचे भी जाएंगे, डिफेंस उसका नीचे होगा। मैं फिलहाल रिस्क नहीं लेता, मुझे पिटाई हो चुकी है, मैं थोड़ा पोशन स्केच भी उड़ाता हूँ, मैं इसे ख़त्म करता हूँ, मैं ख़त्म करता हूँ। उसने मेरी ज़्यादा एचपी ली नहीं थी वैसे, अगर पहले मूव में देखा जाए तो। एक्वा जेट वाटरफॉल से भी ख़त्म हो जाएगा वो आइस क्रेव। ओके नाइस, वो भी स्ट्रॉन्ग है, उसके एक मूव ने मेरी 7 एचपी छोड़ी है, लेकिन मैं ये मैच जीत चुका हूँ वाटरफॉल्स एंड दैट्स इट। होपफुली उसकी एक एचपी, व्हाट ये क्या हुआ, उसके फर्स्ट मूव ने इतनी सारी एचपी ली थी, सेकंड अच्छा वो भी पूरा मरा नहीं है, स्टोरी मोड है वो भग गया। आई थिंक उसके साथ एक सेकंड राउंड भी होगा। फाइंड द स्टोनी क्लिफ टाइटन, पहले मैं अपने वाले की एचपी बढ़ा लूँ फिर जाकर उसको ढूंढता हूँ। वो फिलहाल तो नीचे ही होगा ना, सामने ही है, सामने ही है, यस सामने ही है। ओके मैं पहले अपनी एचपी बढ़ाता हूँ, मतलब उससे लड़ाई होने वाली है फिर से। सुपर पोशन एग्जैक्टली 50 एचपी बढ़ेगी, इट विल बी अमेजिंग। 57, दैट्स ओके, नाउ इट्स टाइम टू गो। थोड़ा स्टाइल में एंट्री लेते हैं। अब है, मैंने उसके ऊपर ही लैंड कर लिया। ओ केकड़ा तगड़ा है, ही स्ट्रॉन्ग, नाइस हेयरी हैंड्स। क्या कर रही है, ईटिंग समथिंग, कोई हर्ब्स खा रही है। ओह फाइनली आविन भी आ गया, काफ़ी टाइम लगा दिया इस हिलते बालों। इसके सामने टाइटन खड़ा हो गया, क्या देख रहा है, ये ढूंढ रहा है टाइटन को। इट्स गोना बी इवन स्ट्रॉन्गर नाउ, इट्स गोना बी इवन स्ट्रॉन्गर नाउ। ओह माय गॉड, और मैंने अपना वो यूज़ कर लिया जस्टलाइजेशन, अब क्या होगा। तगड़ा तो लग रहा है यार, उसने शेल्टर निकाला है, वो शेल्टर है सामने, ये है और सामने उसने वो शेल्टर यूज करा, उसका एक ही पोकेमोन है वो भी शेल्टर। अगर मैं रिस्क नहीं ले रहा सीधा अपना तगड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ। दिस इज लुकिंग अ लिटिल रफ शेल्टर, लेट्स सर्व अप, कम ऑन शेल्टर से कैसे लड़ाई होगी। टर्सलाइज में फिर भी यूज़ कर सकता हूँ, दैट्स जस्ट समथिंग न्यू, मतलब मैं टर्सलाइज से अगर हारता हूँ तो मैं फिर से यूज़ नहीं कर सकता। एक टर्सलाइज का फिनोमिना है इसके अंदर, थोड़ा इंटरेस्टिंग, मैं भी यूज़ कर सकता हूँ। और ये टर्सलाइज इट्स गोना बी इजी फॉर मी इवन नाउ। रॉक टूम एंड हिज शेल्डर इज ऑलमोस्ट डेड। ओके मैं अभी भी पार्टी में हूँ, वाटरफॉल्स लेट्स गो, वी कैन विन दिस मैच, वी कैन विन दिस राउंड। ओके दैट्स नाइस, ऑलमोस्ट इसकी 40% एच पी गॉन। ओके ही इज कंफ्यूज्ड, अमेजिंग, द वाइल्ड क्लॉक बिकम कंफ्यूज्ड, शेल्डर यूज लीव, डिफेंस गिर गया उसका। I can win. Let's go with the same move. Confused. Hit yourself. Hit yourself. Yes, we can win this. I can win this. In this move, we can win this. Let's go. Waterfalls. Ah! ये 10 HP जो रह जाती है ना ये, ओ नाइस, शेल्डर किसी काम का आया उसके, मुझे लगा नहीं था, मुझे लगा कि मेरा गया।
ओके क्रैबी किया, मतलब मैं से कैच का ऑप्शन मुझे समझ नहीं आया क्यों नहीं था। और क्रैबी उल्टा हो के मरा है। यू डिफीटेड द टाइटन क्लॉ, ओह नाइस। एचपी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिला, तीन बंदों का लेवल अप हुआ है। दैट्स एक्चुअली स्मूथ और नाइस। अब क्या है, इस केव के अंदर छुपा हुआ है। और लेट्स लुक एट द लिटिल बॉडी कमिंग थ्रू। ओके द टाइटन हो गया। यीश, आई एम श्योर डोंट नो हैव इन समथिंग सो टफ हाउ टू गेट मी। वो अकेला नहीं लड़ सकता है इन शॉर्ट, उसे मेरी हेल्प की जरूरत पड़नी थी वैसे भी। कम ऑन, वो शेल्डर यूज करता, वो भी एक जिसका एक मूव लीड था। ओके केव के अंदर हम जा चुके हैं, केव के अंदर वो फिर से मिलेगा टाइटन। होपफुली इसमें हमें कैच करने का ऑप्शन मिल जाए। इट्स प्रीटी डार्क। ओह नाइस, कहाँ पे क्या ढूंढता रहता है ये? नो वे, क्या मिल गया? ओह जो हर्ब वो टाइटन खा रहा था वो हर्ब मिल गई इसको। अच्छा इस हर्ब का वो किस तरह से यूज करने वाला? दिस वाज द हर्ब मिलेगा मिस्टिका। ओके ओके नाइस, होपफुली ये हर्ब किसी काम की होगी। यस वी एक्चुअली फाउंड वन एंड इट्स ऑल थैंक्स टू यू। नाउ लेट्स सी व्हाट डू वी बुक टू से। स्वीट हर्बा मिस्टिका, गुड हेल्थ के लिए अच्छी है और स्टमक एक्स के लिए अच्छी है। अगर पेट दर्द हो तो फिर ये पत्तियाँ खा लो और तुम ठीक हो जाओगे। दैट्स व्हाट द बुक सेज। लेट्स सी कि अब ये क्या बना के देगा हमें खाने पीने के लिए। क्या वुमन एम्पावरमेंट दिख रही है यहाँ पे। आर्विन एक कुक है जो कि अच्छी बात है, हियर यू गो। और निमोना एक चैंपियन है, नाइस। टाइटन पोकेमोन थक तो गया ही हूँ। I call it a Titan badge. Okay, यहाँ से भी कुछ badges मिल रहे हैं, just like gym badge. उसके जो sandwiches हैं वो ऐसा badge की तरह काम करेंगे. Okay. Well, sandwich है और काफी ज़्यादा बड़ा है, tasty लग रहा है और भूख लग गई देख के मुझे भी और Miradion को भी. Miradion तो book से ball से सीधा बाहर ही आता है कि sandwich है, एक दे ना. Hey, book का sniff sniff. सूंघ रहा है। नो नो दैट्स नॉट फॉर यू। यू वांट टू गिव सैंडविच टू Miradion? आई थिंक देना चाहिए, लोग शांत हुए ना। अगर नहीं देता तो वो छीन लेता। एनीवेज जस्ट गिव इट अवे। आई रियलाइज दैट ऑल देयर वाज ओके, उसने मेरे लिए स्पेशली बनाया था वो बेचारा। नहीं, स्वीट बंदा है, उसने मुझे अपना आधा दे दिया। अब इसको और खाना है। ये ही क्या हुआ? We'll dash now. Okay. Okay. तो उसने वो हर्ब वाला सैंडविच खाया, that's why he can dash now. We can unlock his abilities. So, sandwiches can make you stronger. Eat sandwich. Yep, that was a bet. The belly with some of my legendary sandwich. Plate to khali hai. After battling the Titan, we have won the break. Just leave this all to me. That'll be much. Okay. So, ye hume break de raha hai. So, Miradion to mere peeche peeche chalta hai. What a cute sub game hai Miradion. अब ये क्या और सैंडविच बनाएगा? अरे ले ओ यू। ओके द कोस्ट इज क्लियर। अच्छा ये और भी वहाँ पे होंगे जो उखाड़ेगा, मतलब एनिमे के अंदर में दिखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे तो गेम में तो हमें सिर्फ एक ही पत्ता सा मिला है। अब यहाँ पे डैश का ऑप्शन जो अनलॉक हुआ है, मुझे देखना है कि किस तरह की चीज़ है। रोटोटो, किसी का कॉल आ रहा है। प्रोफेसर ट्यूरो, हेलो मेगाट्रॉन, दिस इज ट्यूरो। I detected that Miradion has lost some of its original power. Again, dash at high speed while you're riding upon it. Okay. Miradion dash pressing the left stick. But watch out the trees. Agar trees mein se takraye to fir branches. Okay, matlab trees se takrayenge to Pokemon niche girega and I'll have to battle that Pokemon. Ab you will continue to explore Palladia with Miradion as you have done here. Your route is not fixed but open before you.
ओके मैं कहीं भी जा सकता हूँ, ओपन वर्ल्ड गेम है पोकेमोन की GTA 5, जैसा मैं ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में बोल चुका हूँ। यू शुड एक्सप्लोर एज योर हर्ट डिजायर्स। अच्छी कहाँ जाना चाहिए मुझे फिलहाल? विल ग्रो यू इन स्मॉल और बिग वे, गो फोर्थ ऑन योर जर्नी एंड टेक केयर ऑफ मिराडियन फॉर मी। तो मतलब मैं जितना भी आगे जाके टाइटन पोकेमोन्स को हराऊंगा, मेरे और पाथ उड़ेंगे, लाइक मैं पानी में भी तैर पाऊंगा तभी। अगर मैं वाटर टाइटन को हराऊंगा तभी मैं आराम से तैर पाऊंगा। आई थिंक दैट्स इट फॉर द दिस पार्ट। मैं अभी नेक्स्ट पार्ट में सी कि मैं जिम में जाता हूँ या फिर मैं कहाँ जाता हूँ नेक्स्ट। मैं अभी डैश वाला ऑप्शन नहीं कर रहा हूँ, मेरी स्पीड तो मुझे अच्छी लग रही है। आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस पार्ट। सी यू सून, स्टे ट्यून्ड और पार्ट 7 के लिए सब रेडी रहना। बाय बाय।